हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस, आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो टॉपिक है हमारा, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसकी तो नोट्स मैंने आपको पहले ही दे रखी है, अगर आपको चाहिए रहेगी तो आप लोग जाओ और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा साइंस 1 एंड साइंस 2 का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, सो आपको इस टॉपिक को पूरा देखना है, मैं आपको लाइन टू लाइन सबका मीनिंग समझाते जाऊंगा, बिकॉज इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो लाइन टू लाइन समझ लोगे, जनरल नॉलेज का पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला एंड नथिंग, और इसके अलावा यहां पे तो कुछ रहने नहीं वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा क्या है, यहां पे चौथा चैप्टर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, सो हमको इसका मीनिंग अच्छे से समझना है। बेसिकली जो एनवायरमेंट होता है इस दुनिया में, जैसे कि हम सब एनवायरमेंट में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट होते हैं, तो वही आज हमको यहां पे देखना है कि भाई उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है मैनेजमेंट करने के लिए, इस एनवायरमेंट में क्या क्या रहते हैं, तो कौन कौन से जरूरी चीजें हैं, कौन से जरूरी एनिमल प्लांट क्या क्या है, इन सभी के बारे में एनवायरमेंट में हम लोग क्या क्या मैनेज करके रखते हैं, इन्हीं सारी चीजों को हमको अच्छे से आज समझना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। आपको स्टार्टिंग से जैसे कि यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो ये सब तो ठीक है, बट इट्स ओके, इससे ज्यादा कोई आपको मतलब नहीं है। मेन चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है वो ये रही, यहां पर जो आपको देके रखी है ये वाला पूरा साइकिल, फूड चेन। आपने 9th चैप्टर में भी, 9th क्लास में भी आपने इस फूड चेन के बारे में अच्छे से समझ रखा है, किस तरीके से हमारी जो एनर्जी होती है वो फ्लो होती है। तो जो सन होता है ना, सन से एनर्जी फ्लो होकर के ग्रास में आती है, इस ग्रास को ग्रास हॉपर खा लेता है, और ग्रास हॉपर से हमारा जो मेंढक रहता है, यानी कि जो हमारा यहां पे फ्रॉग है, ये फ्रॉग के पास वही एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर ये फ्रॉग को हमारा स्नेक खाता है तो उसके पास एनर्जी आती है, ये एनर्जी कौन से ट्रांसफर हो रही होती है, सन से हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, फिर जो ये हमारा स्नेक होता है ना, स्नेक, तो ये जो स्नेक है इसके एनर्जी पूरी की पूरी किसके पास जाती है, ईगल के पास, और ईगल हमने देखा था कि एकदम सुपीरियर वाला एनिमल होता है, तो ये जब मरेगा तो ही इसकी एनर्जी वापस से अर्थ में आएगी, वरना ये इसकी अपने आप से, इसको कोई खाने वाला नहीं है, इसको कोई नहीं खा सकता है। ठीक है, तो बाद में इसकी एनर्जी यहाँ पे देखो कुछ मशरूम टाइप में के रखा है, तो यहां पे इसकी एनर्जी कुछ इस तरीके से फूड चेन में हो जाती है। हमने देखा था कि बहुत सारे एनिमल हर्बीवोरस होते हैं, लाइक जो हर्बीवोरस उसे कहते हैं जो ग्रास खाते हो, घास खाते हो, फिर ऐसे बहुत सारे कार्निवोरस होते हैं जो बेसिकली खाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, दूसरे एनिमल को मार के हंटिंग करके खाते हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर है, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब के सब जो होते हैं, और एलिफेंट, ये सब एलिफेंट, हाथी, सोचो जरा ये क्या होते हैं, सबके सब, ये सब के सब अपने कभी भी ये मांस नहीं खाते, कभी भी ये एनिमल को मार के नहीं खाते, ये सिर्फ ना हर्बीवोरस एनिमल्स ही कहलाते हैं। इन बातों को आपको समझ के रखना है, और बहुत ताकतवर होते हैं। ठीक है, इन बातों को आपको जान के रखना है। तो ये था भाई फूड चेन, जो कि बहुत ही आसान था, और इसमें तो कुछ समझाने जैसा था भी नहीं, ऑलरेडी आपने इसे क्लास आपका जो 9th था वहां पे आपने इसे पढ़ रखा था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा फिर डिस्कस करते हैं, जीवो जीवस जीवनम, इसका मीनिंग थोड़ा फिर डिस्कस करते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है इसका मीनिंग। देखो, तो जीवो जीवस जीवनम मतलब क्या होता है कि अगर समझो दुनिया में, अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं कि अगर सपोज दैट इस दुनिया में मतलब अगर जीना है तो दूसरे वाले लाइफ का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तभी तो लाइफ है, अगर तुम दूसरे लाइफ को भी अगर बचाओ तो इस दुनिया में, अगर जैसे कि हम इंसान है तो हम सुपीरियर है, तो हमें प्लांट की लाइफ को भी बचाना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं कि अगर मतलब जीवन तभी इस दुनिया में चलेगा जब हम दूसरे के जीवन की भी रक्षा करेंगे, तो इसका मीनिंग बेसिकली यही है। ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से जान करके रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने पढ़ा था 9th में व्हाट इज एनर्जी पिरामिड, फिर ऐसे ट्रॉपिक लेवल फूड चेन, तो ये सब एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट आपको ये सब समझ के रखना है। ठीक है, चलो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहा इकोसिस्टम का, मतलब कि इकोसिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यार एग्जैक्टली इकोसिस्टम होता क्या है। देखो, आपको बताता हूं, सपोज दैट हमारा अर्थ है, और अर्थ के अंदर हमारा इंडिया का एक इन्वायरमेंट है, इंडिया का हमारा एक इन्वायरमेंट है, तो आपको मालूम भी है इस इंडिया के इन्वायरमेंट में इसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। समझा अच्छे से, तो इकोसिस्टम क्या होता है मालूम है ना, एक इन्वायरमेंट के अंदर ही हमारा एक इकोसिस्टम होता है। समझा, मतलब इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, और उसके अंदर हमारा छोटा छोटा इकोसिस्टम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई का या महाराष्ट्र का इकोसिस्टम, फिर नॉर्थ इंडिया में यूपी का इकोसिस्टम, उत्तराखंड का, हिमालय का, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे साउथ इंडिया में जाओ तो वहां पे, तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं एक सिंगल इन्वायरमेंट में। तो एक इंडियन का, पूरा इंडिया का एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं।
तो अभी मैं वैसे ही आपको डिस्कस करता हूँ, एक है अबायोटिक और एक यहाँ पे आपको याद रखना है बायोटिक हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी हमारा फिजिकल और यहाँ पे फिर केमिकल फैक्टर्स आएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी डाइजेस्ट का आप इस्तेमाल करके इसको भर सकते हो। देखो फिजिकल है, फिर केमिकल है, फिर यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक है, फिर यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, हेटरोट्रॉपिक कहने का मीनिंग तो समझ रहे ना। देखो अभी ऑटोट्रॉपिक उसे कहते हैं जो बेसिकली मतलब खुद से खाना बनाता हो, हेटरोट्रॉपिक उसे कहते हैं जो खुद से खाना नहीं बनाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। बायोटिक में वही आएंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जिनके अंदर लाइफ है, अबायोटिक में वो आएंगे जिनके पास लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो जो एयर है, वाटर है, वेपर है, ये सब के सब जितने भी यहाँ पे दिए हुए मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ये सब के सब अबायोटिक है बिकॉज इनको लाइफ नहीं होती। ऐसे कोई भी इनऑर्गेनिक का सब्सटेंस उठा लो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये सब ना क्या होते हैं, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, ये अबायोटिक हमारे कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। सिमिलरली फॉर द बायोटिक कॉम्पोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ऑटोट्रॉपिक है, तो मतलब बायोटिक मतलब जिनके पास लाइफ होती है, तो उसके पास दो टाइप है, पहला कौन सा हमारा ऑटोट्रॉपिक है और दूसरा कौन सा हमारा हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक वो कहलाते हैं जैसे कि प्लांट हो गया, जिसे हम बेसिकली प्रोड्यूसर भी कहते हैं, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, नाइन्थ में पढ़ा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सुपर कंज्यूमर, है ना, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं बेसिकली प्लांट्स ही होते हैं और जो कि हमारा मतलब फूड्स को क्रिएट करते हैं और बेसिकली खुद का खाना खुद से बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। फॉर एग्जांपल और अगर एग्जांपल के तौर पर हेटरोट्रॉपिक के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स है, एनिमल जैसे कि हम सब भी बेसिकली ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम सब भी दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड ही होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिकम्पोज होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आपको समझ के रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे हमारा फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर हमारा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर है, तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ये सब हमने नाइन्थ में पढ़ रखा था, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से जान के रखना, या आप टेबल भर सकते हो किसका इस्तेमाल करके, डाइजेस्ट का, ठीक है। Now, अभी आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। देखो एकदम छोटी सी डेफिनेशन आपको रीड करके दिखाता हूं, देखो क्या लिखा है, एनवायरनमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वेज इज कलेक्टिवली कॉल्ड द एनवायरनमेंट। मतलब समझ गया होगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेसिकली हमारा मतलब एनवायरनमेंट क्या कहलाता है, कि एक ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जिसमें ना फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल मीन जैसे कि कोई, जैसे कि अभी नाइट्रोजन है, फिर मीथेन गैस है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब गैसेस या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस, तो ये सब के सब हमारे फिजिकल के अंदर आ जाते हैं, फिर केमिकल के अंदर भी, बायोलॉजिकल में हम एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब के सब एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हों, चाहे वो बेनिफिट दें या फिर लॉस करें, बट अफेक्ट तो कर रहे हैं ना, अगर मतलब अगर बेनिफिट दे रहे तो भी तो अफेक्ट ही कर रहे हैं, अगर बेनिफिट नहीं दे रहे तो भी वो अफेक्ट ही कर रहे हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझ कर रखना है, और ये बहुत सारे पॉसिबल वेज में हो सकता है। तो इसी बड़े से ब्रॉड कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट बेसिकली बायोटिक, अबायोटिक और नेचुरल कोई भी जैसा समान हो सकता है। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, लाइफ है जिसके पास, अबायोटिक में जिसके पास लाइफ नहीं है, नेचुरल मतलब जो नेचर में पाया जाता है, नॉट आर्टिफिशियल, ठीक है। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, बहुत सारे दुनिया में ना फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला फैक्टर है बायोटिक फैक्टर, फिर हमारा है दूसरा अबायोटिक फैक्टर, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिजम्स को या फिर दूसरे प्लांट को या एनिमल को या पूरे एनवायरनमेंट को भी ये हार्मफुल पहुंचाते हैं, ठीक है। इन बात को आपको समझना, देखो मेन इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे है, एक बड़ा सा एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक इकोसिस्टम रहता है, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट रहेगा ना, मैंने आपको पहले बताया था, एक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, इस बात को आपको जानकर रखना है। और अर्थ जो है ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, अर्थ खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम माना जाता है, ठीक है। इस बातों को आपको अच्छे से जानकर रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो जो अगर मैं नेचर के एग्जिस्टेंट की बात करूं यार, तो आपको मालूम भी है कि नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है ना यार, तो वो ना टोटली इम्पॉसिबल है विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। मतलब अगर दुनिया में नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो फिर इस दुनिया में इंसानों का भी नाम ना के बराबर जीरो हो जाएंगे, मतलब इंसान भी नहीं रहेंगे इस धरती में। मतलब अगर यहाँ पे हमारा नेचर है तो ही हमारे इंसान है, अगर
ऊपर, नेचर नहीं तो इंसान बिल्कुल होंगे ही नहीं, मतलब डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। नेचर के बिना कोई दुनिया में कैसे लाइफ के साथ जी सकता है यार, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना। इसके लिए आज के वक्त में नेचर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, इन सभी को बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो भाई क्या होता है, मीनिंग समझो। कंजर्वेशन मतलब होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बहुत आसान टॉपिक है। और एनवायरमेंट मतलब जिसमें जैसे हमारे प्लांट वगैरह होगा, ये सब के सब कहलाते हैं, ठीक है। इन बातों को आपको जान के रखना है, ओके। सो लेट्स बिगिन, अभी आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, ये देख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। तो कौन कौन से ऐसे दुनिया में, देखो अभी हमको क्या करना है, हमको एनवायरमेंट को कंजर्व करना है भाई। लेकिन एनवायरमेंट को कंजर्व तो करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर भी तो दुनिया में रहते हैं जो हमारे पूरे के पूरे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं। तो वो कौन कौन से, यहाँ पे हमको अभी हम आप इसको देखते हैं। तो पहला है हमारा नेचुरल फैक्टर्स, दूसरा है हमारा मैन मेड फैक्टर्स। अब देखो हम यहाँ पे समझते हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स है इसमें अर्थक्वेक है। अब नेचुरल मतलब जो नेचर में आता है, तो अर्थक्वेक हो गया, फिर वॉल्केनो हो गया, ठीक है, वॉल्केनो होता है, फिर ऐसे बहुत सारे लाइक तुम कह सकते हो कि साइक्लोन है, ठीक है, तो ये सब के सब आप कह दो, फ्लड कह दो, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। लेकिन मैडमेड में क्या है, डिफॉरेस्टेशन, हम खुद पेड़ को काटते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, तो जब ट्रीज कट जाएंगे तो फिर नेचर में कौन बचेगा, तो नेचर में तो भाई फिर कोई नहीं बचने वाला, और जब नेचर में कोई नहीं रहेगा तो फिर खत्म कहानी, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर ऐसे और बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, बॉम्ब के एक्सप्लोजन हो रहे हैं, ऐसे अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, तो क्या है कोरोना में क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हो बहुत बड़े बड़े पैंडमिक का आना, तो ये सब के सब मैन मेड अफेक्ट भी करते हैं। इन बातों को आपको समझ के रखना है। देखो यार महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि द अर्थ इज द सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरीवनस नीड बट नॉट द ग्रीड। मतलब अगर तुम्हारे अंदर लालच है तो अर्थ लालच को पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए ना, तो तुम्हारे अंदर एक ना एक लालच रहेगी कि मुझे अभी ये पाना है, मुझे अभी ये भी लेना चाहिए, मुझे ये भी पाना चाहिए, मुझे सब कुछ समझना है, तो आपके अंदर ये लालच आ जाएगी। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो गांधी जी ने इसलिए तो कहते हैं गांधी जी के थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया में ना जरूरतों को पूरा किया जा सकता है लेकिन कभी भी लालच को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान अगर लालची है तो वो उसके पास कुछ भी आएगा ना तो वो बार बार और डिमांड करेगा, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर वो बहुत अमीर आदमी बन गया तो बोलेगा कि अभी तो मैं अर्थ में रहता हूं, मेरे को मंगल ग्रह भी चाहिए, मेरे को मार्स में भी रहने का है, बोलेगा मेरे को मून भी खरीदने का है। मतलब कि यार तू खरीद ले, तू सब खरीद ले, तेरा ही दुनिया है, मतलब तू भगवान है, ठीक है, अपन ही भगवान है, अभी अपन मून से आया है, ठीक है। तो वही फिर यहाँ पे डायलॉग याद आते हैं। तो एक लालची इंसान की नीड को हमारी अर्थ पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन एक जरूरतमंद इंसान की जरूर पूरी कर सकती है। अगर तुम्हारी जरूरतें हैं तो अर्थ पूरी करता है, लेकिन लालच को नहीं, क्योंकि तुम सारे पेड़ को काटते जाओगे तो ऐसे में तो तुमको, अगर तुम बोलोगे कि मेरे पास 1 acre या फिर 1 hectare की जमीन है और उसको काटूंगा उसके अंदर के पेड़ों को, तो मुझे ना मतलब एग्रीकल्चरिंग के लिए, फार्मिंग के लिए मुझे मिल जाएगी जमीन, तो तुम सोचोगे कि यार एक काटा है तो 1 hectare मिली है, कल और काटता हो तो 2 hectare मिल जाएगी, तो लालच बढ़ रही है ना। तो जरूरतें तो तुम्हारी 1 hectare से भी पूरी होती हैं, लेकिन लालच तो बहुत ज्यादा आ गई ना, तो लालच के चक्कर में फिर अर्थ तुम्हारा पूरा नहीं कर पाएगा तुम्हारी पूरी नीड को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में यार जो मतलब चीजें हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यार पॉल्यूशन है, और इंडिया जैसी कंट्री में यार हाय रे हाय, पॉल्यूशन की तो बात ही क्या है। गर्मी के मौसम में भी दिल्ली में फॉग आता है, फॉग बिना गैस वाला फॉग आता है, ठीक है। तो वहां पर क्या रहता है कि बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, बहुत सारे आजकल में जो पॉल्यूशन है ये तो बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, ठीक है। और बहुत ज्यादा एयर को कंटामिनेट करता है, कंटामिनेट मतलब गलत गंदा कर देता है, ठीक है। बहुत सारे अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल सराउंडिंग बन जाते हैं एरियाज में, हमारी एयर वाटर सॉइल सबके सब पल्यूट हो रहे हैं, और ये हार्मफुल, ये इंसानों के लिए भी हार्मफुल है। ऐसी बात नहीं कि अगर पॉल्यूशन फैल रहा है तो सिर्फ जानवरों को, सिर्फ प्लांट को ही नुकसान पहुंचाएगा, वो हम इंसानों को भी स्किन कैंसर एंड मेनी मोर चीजों को कॉज कर सकता है हम इंसानों के अंदर भी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनप्लांड अर्बनाइजेशन मतलब किधर भी शहर बना रहे हैं तो किधर भी पेड़ काट के शहर बना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाए और फिर शहर को बनाया जाए कि इधर पे इतना तक शहर होगा, यहां तक गांव होंगे। आपको मालूम है जितना जरूरत गांवों की है, मतलब जितना जरूरत सिटीज की है, उतनी ज्यादा जरूरत विलेजेस की भी होती है। अगर इंडिया से पूरे विलेज गायब हो जाए तो इंडिया ना 2 दिन या 1 महीना भी नहीं जी सकता, क्योंकि फिर सारे प्लांट कट कर दिए जाएंगे और फिर शहर ही शहर रहेगा। तो विदाउट विलेज तो सिटीज
से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इन बातों को आपको जान के रखना है क्योंकि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से, मतलब पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि यार आप क्या कह सकते हो। गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ, देखो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर, साउंड है, सॉइल का पोल्यूशन। अब बोलो यार साउंड का पोल्यूशन कैसे होता है? मैं बोलता हूँ यार कि देखो कभी ना बहुत ज्यादा एक फ्रीक्वेंसी होती है साउंड को सुनने की, कभी कभी हम डीजे में बहुत खतरनाक तेज से आवाज बजाते हैं जबकि उतनी साउंड हमें जरूरत भी नहीं होती। तो इतना बड़ा जो साउंड होता है ना, मतलब इतना लाउडली साउंड को सुनना, ये साउंड पॉल्यूशन ही कहलाता है। फिर सॉइल, थर्मल और लाइट है पॉल्यूशन, ये सब के सब हमारे अगल बगल होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। तो इन पॉल्यूशन को हमें अवॉइड करना है और हमें अपनी लाइफ को बचाना होता है। इन बात को आपको समझ के रखना है गाइज। ये जो टेबल आपको दिया हुआ है ना, ये टेबल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, मालूम भी है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना जो कंपोनेंट्स है, तो ये गैस है और ये सॉलिड है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, जैसे कि देखो गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन, सल्फर, फिर NOx, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा, ये सब के सब जो है यहाँ पे ये बहुत एयर पोल्यूशन को करवाते हैं। सोर्सेस क्या है इनके, बहुत सारी कंपनीज होती है, ये इसके सोर्सेस होते हैं। इफेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट वैसे आपको पता है रेस्पिरेटरी पार्ट को, अगर एयर ही खराब है तो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट जहां हम सांस लेते हैं तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको जान के रखना है। तो बेसिकली अगर इंपॉर्टेंटली मैं बोलूं ना यार, तो आप लोगों को ना ये खुद से भी लिखोगे तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, आपको ये 3 मार्क्स एग्जाम में दिला देगा। कंट्रोलिंग मेजर क्या है, तो जो कंपनियां हैं उनको सील करो, बंद करो, या तो फिर कुछ ऐसे ईंधन का, ऐसे मतलब कुछ फ्यूल का इस्तेमाल करो जिससे कि स्मोक जो होता है वो ना निकले, ठीक है। मतलब समझ रहा है, जो गैस होती है, धुआं होता है, वो ना निकले। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वही कंपोनेंट होते हैं जो वाटर पोल्यूशन करते हैं। फिर ऐसे देखो यहाँ पे सोर्सेस क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, केमिकल डिस्चार्ज, पार्टिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरिंग, ये सबसे भी वाटर का पोल्यूशन होता है। इफेक्ट क्या होता है यार, आपको एक बात बता दो, दुनिया की कोई भी बीमारी पानी से ही फैलती है। अगर पानी ही कंटामिनेटेड रहेगा तो समझ लो कि इंसान भी बीमार पड़ जाएगा। तो इफेक्ट क्या होता है पानी से, दुनिया की बहुत सारी बीमारियां लाइक मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, ये सब पानी से ही होता है। जैसे हेपेटाइटिस है, डेंगू सेंगू, तो सब ये पानी से ही फैलता है। तो इन बातों को आपको अच्छे से फोकस करके रखना है, कंट्रोल करना है। तो ये जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेस है इनको बंद करो, और या तो फिर साफ सुथरा पानी निकालो। रिवर वगैरह में देखो क्या रहता है आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो पानी होता है ना उसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ देते हैं कि जा बह जा तेरा ही गांव है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे लफड़ा हो सकता है। अब इन सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, कंट्रोल कंपोनेंट्स तो बेसिकली जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है। आपको मालूम है ना यूरिया हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। बट यूरिया हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो वो व्हाइट व्हाइट रहता है। यूरिया का इस्तेमाल बेसिकली ना हमारी जो यील्डिंग होती है ना, यील्डिंग मतलब जानते हो ना, जो हमारी उपज है उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है जो केमिकल सब्सटेंसेस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। सॉइल इरोजन है, रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड क्रॉप, और बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इन चीजों को प्लीज आपको एग्जामिनेशंस में लिखना है। एग्जाम में 3 मार्क्स को 2018 के पेपर में ये टेबल हमको पूछा था, इस बात को आपको जान के रखना है। चलो हम दुनिया का अभी सबसे यूनिक पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब भाई ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नाम की कौन सी बला है, ये क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो ये समझो कि जो रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। देखो भाई उस हर एक मटेरियल को रेडियो एक्टिव चीज कहा जाता है जिसमें से रेडिएशन निकलता हो। क्या निकलता हो, जिसमें से रेडिएशन निकलता हो। आप बोलोगे व्हाट इज दिस रेडिएशन यार, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन का मीनिंग जानते हो क्या होता है, एकदम सो सिंपल कि ये एक टाइप की वेव होती है जिसमें से ना एनर्जी रिलीज होती है, और ये वेव या फिर एनर्जी जो होती है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमको स्किन कैंसर तक कर सकती है। तो ये आपको समझ के रखना है। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो अगर इसको आप कहीं पर भी रख दोगे तो इसमें से कंटिन्यूअसली हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है कि इसमें से ना मतलब जो रेडिएशन से वो एमिट होते रहता है, और इस रेडिएशन के अगल बगल अगर हम आ गए तो हमको स्किन कैंसर वगैरह वगैरह हो जाता है। आपको याद भी होगा यार, आपने पढ़ा भी होगा, इतने पागल थोड़ी हो कि अमेरिका ने हिरोशिमा
हिरोशिमा नागासाकी में, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फोड़ा था, और वो बॉम्ब यूरेनियम का, उस बॉम्ब में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, और आज भी इस यूरेनियम के पार्टिकल वहां पे पड़े हुए हैं और इनमें से रेडिएशन निकलता है, क्योंकि कभी भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना वो कभी खत्म नहीं होता, उसमें से हमेशा रेडिएशन निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं ठीक है। और इससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन कैंसर, कभी वाकड़े तिकड़े डिसऑर्डर्स होना, ये सब कुछ मतलब रेडिएशन की वजह से होता है। तो बेसिकली बहुत सारी मतलब कैंसरस अल्सरेशन बहुत सारे एक्सरेस की वजह से होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस हमारी, अब जेनेटिक चेंजेस आ गया मतलब म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियां लाइक क्लाइनफेल्टर डिजीज है, फिर टर्नर सिंड्रोम है, ये सब के सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बहुत सारे विजन, आंखों में दिखना बंद हो जाता है, है ना, तो इन बातों को आपको समझ के रखना है। ये सब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का कमाल होता है। आपने पता होगा टावर जो लगा होता है मोबाइल फोन का, तो उसमें भी तो रेडिएशन होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं फोन से दूर रहा करो, सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, बाकी दूर फेंको, उसमें से भी रेडिएशन निकलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग को यहाँ पे नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में देखना है, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना, तो आप जान चुके हो कि एनवायरमेंट के बिना तो कुछ नहीं चलने वाला, बिकॉज एनवायरमेंट ही वो चीज है जिससे कि हमारी लाइफ चल सकती है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह सकते हैं, पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। अब आपको पता है अगर दुनिया में ऑक्सीजन की गैस बहुत ज्यादा होगी ना, तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि ना ऑक्सीजन तो हमारी होती है, ठीक है, इस बात को समझना है। तो एनवायरनमेंट को क्यों बचाना है, ऑक्सीजन कहां से मिलता है हमें, हमें ऑक्सीजन बेसिकली प्लांट से ही मिलता है, तो प्लांट को बचाओगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि एनवायरनमेंट का ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट होगा, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। सो यहां देखो, बेसिकली जो जनरल पब्लिक होती है वो अवेयर ही नहीं होती कि मतलब एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के रूल्स क्या-क्या होने चाहिए, समझ रहे हो। और तो और भाई आपको बता दूं मैं कि बहुत सारे स्केल में पार्टिसिपेशन भी इंसान नहीं करते हैं, ठीक है, बट इन्हें करना चाहिए। और तो और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग इनको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए विद द गवर्नमेंट की हेल्प से। और तो और बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता, अपने अपने एटीट्यूड में अफेक्शन में ही पड़े रहते हैं, बट लोग एनवायरमेंट के लिए कुछ नहीं करते, कहते सब एनवायरमेंट बचाओ लेकिन करने का काम कोई नहीं करता, तो ये बिल्कुल भी एकदम गलत बात हो जाती है अपने आप में। सभी को ट्राई करना चाहिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एक स्टेप तो एटलीस्ट लेना चाहिए। बेसिकली नहीं कर सकते हो यार, तो कम से कम एजुकेशन तो प्रोवाइड करो एनवायरनमेंट की, या अवेयरनेस तो फैला ही सकते हो। गाइस आपको बता दूं कि अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 1972 में जो यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप ने क्या किया था, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1972 यूनेप, कि मतलब मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका नाम है, और ये अरेंज होता है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इन विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वेयर डिस्कस्ड, जहाँ पे सभी कंट्रीज के लोग आते हैं और यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। और बेसिकली 1985 में यहाँ पे प्रोग्राम्स को अभी तब से चलाते चले आ रहे हैं और अभी तक ये यहाँ पे चलते आ रहे हैं, मतलब यार तुम समझ सकते हो कि कितना मतलब अच्छा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अपने इंडिया में भी इसके ऊपर काम करती है, बहुत सारे फॉरेस्ट, अभी आपको सुना होगा कि अपने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने करीबन 1 करोड़ प्लांट्स को लगाने का निर्णय लिया था, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इतने सारे प्लांट यार लगाना मतलब कि ये सब लक्ष्य बड़े बड़े होते हैं, प्लांट लगाओगे तो सबको मालूम है कि तभी हमारी लाइफ जिंदा भी रहेगी, अगर हम प्लांट ही नहीं लगाएंगे तब तो खत्म कहानी हमारी। ऐसी देखो अब यहाँ पे देखते हैं नीड ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करूं अगर, तो क्यों जरूरी है, टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, फिर टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, फिर यहाँ पे देखो टू प्रोवाइड, यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, टू अवॉइड पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो, और पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, ठीक है, टू फुलफिल द नीड ऑफ इंसान, नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, नीड ऑफ इंसान, नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो इन बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ऐसे एक आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इतना चिमटी टॉपिक है यार, सिर्फ यही पूछ रहे तुमसे कि क्या जरूरत है एनवायरमेंट की इस धरती में, इस धरती लोक में क्या जरूरत है, दूसरे लोक का पता नहीं, इस धरती लोक में क्या जरूरत है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमको यहां पे जाननी थी। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
मीन्स कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन्वायरमेंट को मैनेज करने में, ठीक है। मतलब कि ये एक सोसाइटी की सोसाइटी में रहने वाले लोगों की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो जब से सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट है तो ह्यूमन है, ह्यूमन है तो इन्वायरमेंट है। ह्यूमन बेसिकली स्टेप डाउन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब देखो इस दुनिया में जब अर्थ बनी तो अर्थ के बहुत सालों करोड़ों बाद इंसान आए, उससे पहले प्लांट आ चुके थे। प्लांट इस धरती में कब से हैं आज तक किसी को नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ना मतलब बहुत पुराने माने जाते हैं इस अर्थ में। जब इंसान भी नहीं आते इस धरती लोक में तब से यहाँ पे प्लांट है। ऑन दी अर्थ ह्यूमन बींग्स प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज अ कंपेयर टू द अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरीज, इमेजिनरी एबिलिटीज एटसेट्रा। मतलब हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे पास मेमोरी याद रखने की है, इमेजिनरी की पावर है, हम इमेजिन कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। इस वजह से हम थोड़ा सा डिफरेंट बन जाते हैं अदर एनिमल के कॉम्पेरिजन में, और इसीलिए हम लोग को डिनोमिनेशन यानी कि डोमिनेशन मिलता है। डोमिनेंट माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। डोमिनेंट मतलब बड़ा माना जाना, तो ऐसे हम समझे जाते हैं। इस बात को आपको समझना है। इंसानों ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, बहुत तभी भी उनकी नीड पूरी नहीं हुई है अब तक, और सब इंसान वही पाते जा रहे हैं, माइनिंग करते जा रहे हैं, अर्थ से सारे मटेरियल को निकालते जा रहे हैं और अभी भी सारी चीजें चल रही हैं। तो यार जब हम जानते हैं कि सारी चीजें हमें अर्थ से ही मिलती हैं, तो क्यों ना हमें अर्थ की सुरक्षा करनी चाहिए, क्यों ना हमें अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए। अर्थ से हमें होने वाले फायदों को और इंक्रीज करना चाहिए, और अर्थ को पोल्यूशन नहीं हो ये हमें करना चाहिए कुछ ऐसा। तो यही होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी प्यारी सी अर्थ को कैसे बचाएंगे, अर्थ हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी, इसमें हरी भरी अर्थ कैसे रहेगी, प्लांट कैसे लगेंगे। तो यही सारी चीजें हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इन बात को आपको जान के रखना है गाइस। जो ये डू यू नो का क्वेश्चन है ना, ये डू यू नो का क्वेश्चन सिर्फ दिखने में आसान होते हैं, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंसान खुद से कुछ नहीं करता जब तक कि कोई रूल और लॉ ना बना दो। तो यहाँ पे एक लॉ बनाया गया है, लॉ इनेक्टेड अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पहले का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918। इसके हिसाब से क्या है ना कि द लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी पर्पस ऑफ दिस लॉ। मतलब कि ये लॉ क्या कहता है कि अपने भारत देश में या अर्थ में कहीं पर भी जिस कंट्री में ये लॉ लागू होगा, तो वहां पे जो भी लैंड ऐसा बनाए कि यहां पे सिर्फ फॉरेस्ट उगाए जाएंगे, जंगल पैदा किए जाएंगे, तो वहां पे कोई भी और काम तुम चाहे भले एग्रीकल्चरिंग ही, चाहे स्कूल कुछ नहीं बना सकते, वहां कुछ नहीं कर सकते हो, नथिंग मींस नथिंग, ठीक है। अगर तुमको करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भाई लेनी पड़ेगी। तो इन बातों को आपको समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट मालूम है ना कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मतलब जो सरकार है मेन, जो दिल्ली में बैठती है, वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट मानी जाती है दिल्ली वाली, ठीक है। इस बात को आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 की अगर बात करूं, तो इस पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्संस और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरमेंट। आजकल के टाइम में पान खा के पाचे से थूक देते हैं, है ना। तो ये अगर करते हो तो तुम अगर कहीं भी बड़े बड़े सिटी में करते हो तो ₹500 का फाइन लगेगा बाबा, कड़क वाला, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। अगर गाड़ी के पीछे पेट्रोल जला हुआ डालोगे और धुआं निकला तो तुम पकड़े जाओगे, तो फिर पुलिस पकड़ के भर देगी तुमको, भर देगी मींस फाइन भर देगी, और क्या भरेगी, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। बहुत सारी फैक्ट्रीज को सील कर दिया जाता है और ₹1,00,000 तक तुमको इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन इतना लग सकता है। 1,00,000 मतलब एक बार थूकने के बदले ₹1,00,000। बोलोगे इससे अच्छा पान नहीं खाता रे बाबा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो इतना पैसा जब भरोगे तब फिर बराबर, फिर ना अरे फिर तो तुम पानी भी ऐसा लेके थूकोगे नहीं, और जितने बार थूकोगे ना उतने बार याद आएगा कि ₹1,00,000 भरवाया था, ठीक है। तो मतलब कंगाल बन जाओगे, घर में लात मिलेंगे वो अलग से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको समझ के रखनी है। तो कभी ये सब आंडू पांडू वाला काम मत करना, ओके। चलो अभी आगे निकलते हैं। यहाँ पे देखो इंटरनेट माय फ्रेंड में थोड़ा समझ लो। साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट की सारे एक्ट है। प्लीज गो थ्रू दी गूगल एंड इसे सर्च करके पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट भी बनाए गए इस दुनिया में, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से भाई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट बनाए गए हैं। जैसे एज पर क्लॉज 49A इस रूल 1972 एक्ट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस आते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स लाइंस को क्लॉजेस कहते हैं। तो इसके थ्रू ट्रेडिंग ऑफ द रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। मतलब आपने देखा किसी जंगल में गए और आपको दिखा कि अरे ये तो दुनिया का सबसे रेयरेस्ट एनिमल है,
उधर से ढाप लिया उसको और ढाप के उसको बेच दिया, बोले अब बेचूंगा इसको कैसे कमाऊंगा। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो ऐसा मारेगी ना पीछे गरम कर देगी तुम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज पर क्लॉज 49B क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन organs of the wild animals has been banned। देखो क्या होता था ना कि पहले के टाइम पे जानवर जब मर जाते थे तो उसके ऊपर की जो स्किन होती थी उसको निकाल के जूते बनाना, फिर और बहुत सारी चीजें को उपयोग किया करते थे, यूजेस किया करते थे। बट आज के टाइम पे अगर ऐसा करते और अगर पकड़े गए तो फिर तो गए काम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज पर क्लॉज 49C डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपलसरी। मींस कि आपको यहाँ पे समझना है कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, अगर आपको पता चला ना कि कोई अगर मान लो कहीं रेयर एनिमल है और आपने बताया नहीं कि आपने रेयर एनिमल्स को छुपा रखा है या कुछ कर रखा है या उसके आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं बताया तो भी प्रॉब्लम, तो बेसिकली कंपलसरी है कि आप बताओ कि कहाँ पे रेयर एनिमल्स है। अगर आपको दिख गया तो आप बता दो, वरना अगर पुलिस को पता चला कि तुम्हें मालूम था और तुमने नहीं बताया तो फिर लग गए, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, ओके गाइस। तो ये मुलाई वाले कहानी को हम इसके बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो अब देखेंगे अगले वाले पार्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, बहुत मजा आएगा इस वीडियो को पढ़ने में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू। We'll be right back.